गाइज आई एम अर्जुन एंड यू आर वॉचिंग एक्स्ट्रा क्लासेज बाय अर्जुन। सो गाइज आज का टॉपिक है एसेट वेयर्स एंड सोल्ड। ये बेसिकली पार्ट टू है। पार्ट वन जिसने भी नहीं देखा वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन तो जाकर उसे देखना जरूर, क्योंकि उसके अंदर ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई है जो आप जिसने नहीं देखा वो इस चैप्टर को ढंग से नहीं समझ पाएगा। तो आप उसे जाकर जरूर देखना। तो इस चैप्टर को एंड तक वॉच करना क्योंकि इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ आती है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो सबसे पहले आती है ये मेटेलिक ऑक्साइड होता क्या है। तो मेटेलिक ऑक्साइड तब बनता है जब मान लीजिए क्या कहता है मैग्नीशियम है, मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिया उनके बीच में रिएक्शन करवाई, तब हमें क्या मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेजन में करवाई। जिन बच्चों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेजन नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने मैग्नीशियम एक मेटल लिया, फिर उसके बाद हमने एक ऑक्सीजन लिया, उनके बीच में हमने रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा बेसिकली क्या है मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि मेटल भी है और ऑक्सीजन भी है तो ये क्या हो गया मेटेलिक ऑक्साइड। और ये हो गया मेटेलिक ऑक्साइड, यानी आपको पता लग गया होगा मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड के गुणधर्म। तो इसके अंदर मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई थी, जैसे इसके अंदर आपने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसे हम कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड की प्राकृति यानी नेचुरैलिटी क्या होती है क्षार यानी बेस होती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था बेस क्या दिखाता है, जब हम इसको रेड लिटमस में डालते हैं तो ये ब्लू कर देता है। और दूसरी चीज़ आती है इसकी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देता है सोल्ट प्लस H2O। जब भी हम मेटेलिक ऑक्साइड को डालेंगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है कह सकते हैं आप मेटेलिक ऑक्साइड ही है, जब भी हम मेटेलिक ऑक्साइड को अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना तो ये हमें क्या देगा सोल्ट प्लस H2O देगा। ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि मेटेलिक ऑक्साइड की प्राकृति क्या होती है यानी नेचुरैलिटी क्या होती है बेसिस होती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हमने रिएक्शन करवाई मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी हमारे मेटेलिक ऑक्साइड है ठीक है, ये हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है प्लस हमने लिया HCl यानी एसिड लिया। अब हमने इसके बीच में रिएक्शन करवाई तो हमें क्या पता है हमें पता है सोल्ट प्लस H2O मिलेगा। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बन गया। तो ये हमारा क्या है ये हमारा सोल्ट है और ये हमारा जल है। तो आपको ये रिएक्शन हमेशा याद रखनी चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन है HCl के साथ की जाएगी तो हमें एक सोल्ट मिलेगा और H2O मिलेगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि रिएक्शन बिटवीन बेस एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो आप सोच रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की आपको मैं प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ। इसके अंदर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये आपको ध्यान देकर याद करनी चाहिए कि मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन करवाई मेटेलिक ऑक्साइड होता है बेसिकली इसकी प्राकृति क्या होती है यानी मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, मेटेलिक ऑक्साइड की प्राकृति क्या होती है अम्लीय होती है यानी नेचुरैलिटी होती है उसकी एसिडिक होती है हमारी, ठीक है ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है इसको लिटमस पर डालेंगे, लिटमस के अंदर डालेंगे तो ये ब्लू लिटमस को ये हमारा क्या कर देगा रेड में चेंज कर देगा, क्योंकि ये एसिड है और हमने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ब्लू को ये रेड कर देता है। और तीसरी चीज़ आती है कि अब हम इसको एसिड है अब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना बेसिस प्लस एसिड तो ये हमें सोल्ट प्लस H2O देगा। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बस इसके अंदर यही आती है कि
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है अम्लीय, यानी उसका नेचुरैलिटी होती है एसिडिक, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको। और एग्जांपल देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि ये वाली रिएक्शन थी ना सेम, कि ये था हमारा मेटेलिक ऑक्साइड और यहाँ था HCl, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सीधा सीधा हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेना है प्लस HCl लेना है, इज इक्वल टू रिएक्शन करवा देनी, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O बनेगा, ये हो गई हमारी रिएक्शन। तो गाइस बस आपको इसके अंदर यही पूछा जाता है पेपरों के अंदर कि मेटेलिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसको भाई उसकी प्रॉपर्टी होती है नेचुरैलिटी होती है अम्ली होती है यानी एसिडिक होती है, और उसको लिटमस में डालेंगे तो ब्लू को रेड कर देता है, ठीक है, और उसकी हम एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सोल्ट प्लस H2O देता है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन दोनों में मैं आपको बताता हूँ कि मेटेलिक ऑक्साइड देता है हमें, मेटेलिक ऑक्साइड देता हमें क्या होती है उसकी प्रकृति, बेसिक होती है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की क्या होती है, एसिडिक। ये है इस पूरी चीज़ का सार, आपको ये चीज़ याद टिप्स के ऊपर याद रखनी चाहिए। और अब आती है तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, व्हाट हैपेंड व्हेन वी डाइल्यूट एसिड एंड बेस, तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सिमिलैरिटीज क्या होती है, जब हम एसिड को जलीय विलयन यानी व्हेन वी मिक्स वाटर इन डाइल्यूट एसिड, जब हम वाटर को एसिड के अंदर डालते हैं तो वो H+ आयन + H3+ आयन उत्पन्न करता है यानी प्रोड्यूस करता है, और जब हम बेस को जल के अंदर डालते हैं यानी जलीय विलयन के अंदर डालते हैं तो प्रोड्यूस करता है H+ आयन, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही पूछा जाता है कि pH स्केल जो आगे आपको मैं पढ़ाऊँगा उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा, जब मान लीजिए HCl है, HCl ये हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, उसके अंदर हमने जल डाला, जल के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या देगा, वो प्लस क्लोरीन माइनस, तो ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था जब हम जल के अंदर एसिड को डालते हैं तो H+ आयन एंड H3O+ आयन देता है, तो ये देख लिए H3O+ आयन दिया और क्लोरीन नेगेटिव में आ गया। और दूसरी चीज़ आती है बेस के साथ हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं यार, ठीक है, और उसके अंदर हम उसको जल के अंदर डालते हैं, मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल के अंदर डालते हैं तो हमें पता क्या देगी, OH- आयन देगी, तो K+ हो गया, OH- आयन देती है। तो इसको आप रिएक्शन करवा के आप देखेंगे, जब आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे तो आपको बताएंगे, जब हम एसिड को जल के अंदर डालते हैं तो H3O+ आयन देते हैं और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस को डालते हैं पानी के अंदर तो वो हमें देती है OH- आयन। तो होप मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। आप चौथी इंपॉर्टेंट चीज आती है, हाउ स्ट्रोंगर आर द सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी हिंदी में बोला जाएगा तो इसे बोला जाएगा अम्ल एवं क्षारकों के विलयन कितने प्रबल होते हैं। तो ये बेसिकली इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि किसी भी अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन + OH- पर निर्भर करती है, जो मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि हमारे एसिड जब हम एसिड को जल के अंदर डालते हैं तो H+ आयन या H3O+ आयन उत्पन्न करती है और बेस हमारा क्या उत्पन्न करता है, OH- आयन। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि OH इसके अंदर देती है, उसकी जो एसिड होता है स्ट्रोंगर तब माना जाता है जब उसके अंदर OH+ आयन की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्ट्रोंगर एसिड क्या होता है, स्ट्रोंगर एसिड
स्ट्रोंगर एसिड क्या थे हमारे? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सल्फ्यूरिक एसिड था, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रोंगर एसिड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जब हम इसको जल के अंदर डालेंगे या पीएच स्केल के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर इसकी क्वांटिटी एस प्लस आयन की बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसके अंदर उससे थोड़ी कम होती है। HCl की कम से कम होती है 1, 0 से 1 के बीच में होती है पीएच स्केल के अंदर। तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है एच प्लस आयन की मात्रा, और ये होती है 2 से 3 के बीच में इसकी क्वांटिटी एच प्लस आयन। तो इसलिए इस पर निर्भरता होती है कि एच प्लस आयन और ओ एच नेगेटिव पर निर्भर करती है कि भाई एसिड कितना स्ट्रोंग है कि कितना वीक है। अब जैसे वीक एसिड था हमारा, वीक एसिड, तो हमने वीक एसिड ऐसे थोड़ी ना बोल दिया कि भाई वीक एसिड ये है। वीक एसिड हमने इसलिए बोला क्योंकि वीक एसिड हमने इसलिए बोला कि भाई इसके अंदर एच प्लस आयन की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसको हम हाथ पे भी डाल लेंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा वो हार्म नहीं करेगा हमारे हाथ को। इसलिए तो इसकी निर्भरता होती है एच प्लस आयन और ओ एच नेगेटिव आयन्स के ऊपर पता लगता है कि एसिड कितना स्ट्रोंग है और बेस कितना स्ट्रोंग है। तो आपको समझ आएगा। चौथी पांचवी चीज़ आती, तो गाइस पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, व्हाट इज़ पीएस स्केल। तो पीएस स्केल मैंने आपको इतनी बार बताया कि पीएस स्केल से नापा जाता है क्या किया जाता है। तो पीएस स्केल इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, पीएस स्केल इज़ अ इंस्ट्रूमेंट इन विच वी नो एसिड एंड बेस हाउ स्ट्रोंगर। ये होती है इसकी डेफिनेशन कि इसके अंदर हमें ये पता लगा, पीएस स्केल से हमें ये पता है लगाया जाता है कि एसिड और बेस के एच प्लस आयन और ओ एच नेगेटिव आयन कितने ज़्यादा स्ट्रोंगर है, कितने वीक है। तो ये होती है हमारी कुछ ऐसे 0 से 7 के बीच में और 7 से 14 के बीच में पीएस स्केल होता हमारा। तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो आपको इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी चाहिए कि 0 से 7 के बीच में जो भी नंबर आता है, यानी जितने भी एच प्लस आयन उत्पन्न। सो गाइस इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया 0 से 7 और 7 से 14 होता है पीएस स्केल के अंदर नंबर। तो इसके अंदर आपको ये पता होना कि 0 से 7 के बीच में हमारा एसिडिक बिहेवियर होता है एलिमेंट का। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया था HCl लिया था, तो अब इसके पीएच स्केल के अंदर हम इसको नापेंगे ना तो इसका कुछ आएगा 1.1% एच प्लस आयन की। तो पीएच स्केल का उपयोग एच प्लस आयन और ओ एच नेगेटिव आयन्स को मापने के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है प्राकृति में, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइज बेसिक, तो बेसिक क्या आएगा, बेसिक आएगा 7 से 14 के बीच में, ठीक है। तो इसके अंदर इसका उपयोग होता है, बस केवल पीएच स्केल का उपयोग होता है एच प्लस आयन और ओ एच नेगेटिव आयन को मापने के लिए। तो इसकी खोज करी थी, जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो के अंदर पूछा था कि इसकी खोज किसने करी, तो इसकी खोज उस व्यक्ति ने करी है, सोरोनसन, इस वैज्ञानिक का नाम है सोरोनसन। तो अब पांच छठी महत्वपूर्ण, सो गाइस छठी महत्वपूर्ण चीज़ आती है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएस स्केल इन डेली लाइफ। यानी हिंदी वाले बच्चों के लिए हो जाएगा ये, दैनिक जीवन में पीएस स्केल का महत्व। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो हमारे स्टमक होता है, स्टमक के अंदर होता है हाइड्रोक्साइड, अरे क्या बोल दिया यार मैंने। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट पीएस स्केल इन आवर डाइजेशन सिस्टम। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए हो जाएगा ये, हमारे पाचन तंत्र में पीएच क्या है। तो ये हो जाएगा, पीएच हमारे स्टमक के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर। तो वो हमारे पेट के अंदर इसलिए होता है क्योंकि जब हम खाना खाना हमारे पेट में आता है तो एसिड के द्वारा हम उसे पचाया जा सकता है, इसलिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेट के अंदर होता है। और तीसरी चीज आती है अपचय की स्थिति में, अपचय का यानी जब हम इनडाइजेशन होता है हमारे पेट के अंदर, जब हम खाना नहीं पचा पाते, उस स्थिति में क्या होता है, अपचय की स्थिति में स्टमक अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण स्टमक में दर्द होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है।
तो इसके अंदर बस एक दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे स्टमक के अंदर अधिक जब हम इनडाइजेशन होता है तो अधिक मात्रा में क्या अम्ल उत्पन्न होता है, यानी एसिड उत्पन्न होता बहुत ज़्यादा जब हम खाना जी, इसलिए तो हमारे डकार आती है, वो वोमिटिंग होने लग जाती है, ये चीज़ें होती है जिसके कारण हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है। तो इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए हम एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा जिनके खाना नहीं पचता वो एंटा एसिड यानी इनो बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो इसलिए उपयोग करते हैं उसको दर्द से मुक्ति पाने के लिए। तो एंटा एसिड बेसिकली क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक होता है भाई, वो बेसिक होता है, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, एंटा एसिड बेसिक होता है। और एग्जाम्पल पूछा जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये लिख देना आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सोल्ट फैमिली। सोल्ट हमारे बेसिकली जो हमें पदार्थ मिलते हैं उसे कहा जाता है। तो इसके अंदर चार मेन सोल्ट होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसकी रिएक्शन, ये हमारी ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन, ये हमारी बेकिंग सोडा की रिएक्शन, ये हमारी वॉशिंग सोडा की रिएक्शन। तो इसके अंदर ये हमें रिएक्शन को याद रखना पड़ता है और इसके जो हमें कार्य होते हैं उसे याद करना पड़ता है। तो ये आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे। तो होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। तो गाइस इस वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों के बीच में प्लीज़। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी।